मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, काम पूरा करना मुश्किल हो गया। माशाल्लाह, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, रुपया एक नहीं आ रहा। तुम तो बस गरीबों वाली सोच सोचना, बिजनेसमैन बनो जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है। अभी तो मैंने गाड़ी की बात भी की है। गाड़ी? हाँ, जो तुफैल के पास गाड़ी है ना, उससे अच्छी गाड़ी में अपने पास रखो। मेरी बात सुनो, हम तो फैल भाई की रीस नहीं कर सकते, उनका बिजनेस तो करोड़ों में है। मेरा बिजनेस भी लाखों में नहीं रहेगा, करोड़ों में जाएगा। हाँ खैर करेगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। पर गाड़ी आएगी कहाँ से? बैंक से, और कहाँ से? फिर से एक और कर्जा लेंगे अब? ये कर्जा नहीं है, अपनी छोटी सोच को बड़ा करो, बिजनेस है ये। पहला कर्जा उतरा नहीं है, आगे से फिर कर्जा लेंगे अब। उतर जाएगा सारा कर्जा, एक ऑर्डर की डिलीवरी होने दो, सब कर्जा उतार दूंगी मैं। तुम्हारी बातें सुन के ना खुशी बड़ी होती है, पर जब कला बैठ के सोचता हूं तो दिल घबरा जाता है मेरा। आज मैं कैलकुलेटर पकड़ के ना हिसाब किताब कर रहा था, तो सेन में ही नहीं आ रहा था कि जीरो कितने लगाने हैं। तुम अभी तक जीरो में फंसे हो, मुझे देखो कितनी आगे की सोच रही है। अच्छा ठीक है, वो चाचा जी आए थे, चले गए? हाँ। रोका नहीं तुमने उनको? मैंने कहा था, लेकिन वो कहने लगे तुम बिजी हो, तुम्हें देख लिया इतना ही काफी है, बस दुआएं देकर चले गए। माँ बाप होते ही ऐसे, औलाद चाहे जैसी मर्जी हो, दुआएं देने से बाहर नहीं आते। अम्मी जान, बाबा साईं, अस्सलाम वालेकुम। तेरा बेड़ा तर जे, मेरा तो तरा निकाल दिया, डरा दिया तूने मुझे। मैं इतना डरावना तो नहीं हूं। और नहीं, तू डरावनी नहीं, तू इतनी प्यारी है शहजादी। कैसे आई फिर दोनों बाद? बोर हो रहा था
वो तो शाम को आते हैं, मैं तो बोरियत से मर ही जाता। हाँ तो कोई खाना वाना बना लिया कर। मैं तो अब कुछ नहीं बनाता, न खाना न वाना। अच्छा तो फिर कैसे खाते हो, क्या करते हो फिर? वो आता है ना मामू जान का होटल से खाना आता है, अब्बास को तो बड़ा पसंद है, वो कहते हैं रोज मंगवाया करो, मेरे को तो नशा ही लग गया। आप क्या बना रहे? मैं ना हलवा बना रही हूँ, खाएगी? हाँ। चल बैठ, देती हूँ तुझे। मैं पता भी नहीं चला ना इतनी देर हमने बातें की, पता ही नहीं लगा 2-2.5 घंटे गुजर गए। अल्लाह जी इतना देर हो गया, उनके तो आने का टाइम हो गया। हाँ चल जा तू, जा वो आने वाला होगा, लेकिन आती रह कर देख, मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता है ना। मामे जान थोड़ा हलवा और खा लूं। लो जा, मैं तुझे डाल देती हूँ, ले जा घर। अब्बास का हिस्सा दे रहे? नहीं अब्बास को हिस्सा नहीं दे रही, हलवा दे रही हूँ तुझे, ये ले पकड़। अम्मा इंडी टेस्ट पास करना कोई आसान बात थोड़ी है, बस एक बार मेरा मेडिकल में एडमिशन हो जाए ना, फिर सारी मेहनत ऐसे वसूल होगी। जब तक मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करना चाहती। कितना टाइम लगेगा? 1 साल 2 साल 5 साल? अगर आप 10 साल भी कहेंगी ना आपका इंतजार करूंगा, लेकिन शादी सिर्फ आपसे करूंगा। लेकिन क्यों? आप मुझे अच्छी लगी हैं, और इतनी अच्छी लगी हैं कि पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं मैं आपके लिए। बीवी को इतना खुद सर कर दोगे ना तो शी विल सिट ऑन योर हेड एंड जंप, तुम्हारे सर पे चढ़ के कूदेगी वो। इतना ना चढ़ाया करो सर पे, उसको जरूर लेके जाओ, कसमें लादी ले जाओ, और बिल्कुल ना पूछो उसको। अगर बीवी घर में होते हुए भी ना हो ना तो बेटा फिर क्या फायदा, फिर तो दूसरी शादी का हक बनता ही है ना। यू हैव एवरी राइट फॉर सेकेंड मैरिज। लेकिन तैमूर बेमकसद जिंदगी गुजारना मुझे काटता है, और मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती, एंड दैट्स क्लियर। अच्छा प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती, ठीक है पर मुझे छोड़ दो। मजे का था ना? तुमने बनाया? नहीं मामू जान का होटल से आया है। उसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? मैंने एक और चीज आपके लिए रखा है, बड़ा अच्छा। छुपा कर रखा हुआ था। देखिए लौकी का हलवा। तुमने बनाया? नहीं। फिर कहाँ से? जहाँ से ये खाना आए। अबू जान के होटल से आया? नहीं, होटल में खाना कहाँ से आते? यार क्यों बक बक कर रही हो, बताओ हलवा कहाँ से है? मामी जान ने बनाया। वो आई थी? नहीं मैं गया था। तुम गई थी? हाँ। वो उन्होंने हलवा बनाया ना तो मुझे कहा अब्बास के लिए भी हिस्सा लेते जाओ। अब इनको मेरा हिस्सा याद आ रहा है। हाँ खुद ही दिया उन्होंने, हलवे में हिस्सा दे दिया।
और जिस चीज में देना चाहिए था उसमें इन्होंने क्या किया, मालिक भाई ने हिस्सा ले लिया। बकाया के इंतजार में मैं अभी तक बैठा हूँ। एक भाई को घर, दूसरे को दुकान, और मुझे क्या मिला, हलवा। और तुम किस खुशी में गई थी उनके घर? वैसे ही गया था। वैसे क्या, तुम्हें नहीं पता उन्होंने हमारे साथ क्या किया? तुम मुंह उठा के हलवा खाने चली गई उनके घर? हलवा खाने नहीं गया था। तो और क्या करने गई थी? घर नहीं बैठ सकती टिक के? क्या करूं घर बैठ के, दीवार को देखूं, कोई ये बातचीत करने वाला, नाचने खेलने वाला, मेरे को ये जेल लगता है। घर के काम है उनमें दिल लगाओ। दो लोगों के काम ही कितना होता है, हमारो तो अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ। यार तुम हमसायों के घर चले जाया करो। वो भी तो हमसाई हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर तुम उनके घर गई मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी? मुकद्दर राणो, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। के खुशखबरी? तू वो जहां वाला? अच्छा पता नहीं, दसो ना के खुशखबरी है? हमारी गाड़ी मंजूर हो गई है। क्या? मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है। पर किस्तें बड़ी लंबी हैं, 3 साल किस्तें ही देते रहना। क्या फर्क पड़ता है, चीज तो बन जाएगी ना। गड्डी में घूमेंगे, कितना मजा आएगा, शॉपिंग भी करेंगे, मरी भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। कह तो तू बिल्कुल सही रही है, शॉपिंग करेंगे, गड्डी में सैरें करेंगे, घूमे फिरेंगे, गाने गाएंगे, मजा तो आएगा। पर मैं ये सोच रहा हूं कि बैंक से लेटर भी आ गया, अगले महीने गड्डी भी पहुंच जाएगी। एक महीने में हम दो दो किस्तें कहां से देंगे, गड्डी की वक्री, बतीक की वक्री, और इतने सूद पे हमने दो दो कर्जे लिए हुए हैं। ओफो, तुसा को तो बस सूद की पड़ी रहती है। इतना डर डर के चलेंगे तो दुनिया में कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। जेल जरूर पहुंचेंगे। हाय हाय, अल्लाह ना करे, क्यों भला? ओ, किस्तें नहीं देंगे तो वहीं जाएंगे ना। उसकी फिक्र आप ना करें, अल्लाह का करम है। मेरा बुतीक जिस तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है ना, मैं कुता लगता है अगले साल मैं एक और ब्रांच खोल लूंगी। और किस्तों की तो गाली कोई नहीं है। वाह भाई वाह, मेरी अमीर बेगम। और क्या, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, परेशानी की तो गाली कोई नहीं है। हाय वेरी गुड। वैसे ना मैं तो ऐसे ही डरी जा रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और तेरी प्लानिंग कामयाब हो गई है। तो बस फिर जिस तरह हमने बुटीक बनाया, गड्डी ली, उस तरह घर भी बना लेंगे। हाँ, और फिर हम अमीर हो जाएंगे, और मैं अपनी पसंद का दूजा ब्याह भी करा लूंगा। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे ना ले ली। अब ऐवी लगा हुआ, बच्चे साथ होंगे, हम अमीर होंगे, बड़ी गड्डी, आए हाय। उत्तर ले गई अनु, तितियां नु ले गए हो, और बुढ़ा बुढ़ी अंज बैठे जिवें संध ते बैठे चोर। याद आया, कल शुजा का फोन आया था। शुजा का फोन तो तू आज बता रहा है मुझे? याद ने उल्लर की आदत अपना ली है फातिमा, कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा क्या कह रहा था? कह रहा था हर वक्त आप ही का ख्याल रहता है अब्बा जी। सही माँ के दूध का हक अदा कर रहे हो। और क्या कह रहा था? कहने लगा किसी काम में दिल नहीं लगता उसका,
काम छोड़ रहा है। देख ले गुलाम तालू, जिस पे उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद बन गया हमारी। अल्लाह कभी कोई दुख से नजदीक ना आए, हमेशा खुश रहे। इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? Wait, 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 wait. Why are you asking me? देखो, मॉम और तैमूर घर पर नहीं है, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुमसे पूछूं, और मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम एक रिश्ते में बड़ी हो ना, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ पर क्वेश्चन करो। इफ्रा, मॉम आके मुझसे सवाल करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतना हमदर्द बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और वैसे भी मॉम आएंगे ना तो मैं उन्हें खुद हर सवाल का जवाब दे दूंगी। तुम बस अपने काम से काम रखा करो। Do you get it? से दे देना। कितने? बस 2-3 हजार। 2-3 हजार? बेटा तूने इतने पैसे क्या करने हैं? दो 3 हजार रुपए? इतना महंगा दूध कौन सा है? तो वो कोई बाहर का दूध है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो साथ लेके आते, हमने इतना महंगा दूध लेके दे सकते। सानू मिली सजा सड़की ते दी, सानू मिली सजा सड़की ते दी, चुक पार हयाती टुर पाया। सानू मिली सजा सड़की ते दी, चुक पार हयाती टुर पाया। सावी रुक रुक आउंदा ए, हाय सावी रुक रुक आउंदा ए। असी पूरा पूरा पुर गया, असी पुलड़ हारे जाओ। तो बहुत तेज है, गर्मी बड़ी सख्त है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गाड़ी में बैठ जाना था ना, बाहर क्यों खड़े हैं? ले दस, जो कम तुफैल ने जिंदगी पर नहीं किया वो अब कैसे कर सकता है? जाहिर है मलका आलिया तशरीफ लाएंगी तो गुलाम गाड़ी में बैठेगा ना। सदके जाऊं? ओए इस बात में मैं डिग ना जाऊं। आ जाओ। मायरे तिलका
घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा। मेहमान एक दिन का होता है, दो दिन का होता है, ये लंबा रहने आई है तो घर वालों की तरह रहे। घर के कामों में हाथ बटाना तो दूर, ये तो उठ के पानी तक नहीं पीती। उसको अपने घर में आदत जो नहीं है इसलिए। शौहर को छोड़ा ही है तो उसके घर के नखरे भी छोड़ा थी। आधा दिन सोती रहती है। मेरी बीवी अपने बच्चों को संभाले या इसके बच्चे को देखे? इसका बच्चा आसमान से उतरा है क्या कि उसने इम्पोर्टेड दूध पीना है? जो दूध मेरे बच्चे पीते हैं वही इसके बच्चे को भी पिला दें? वो नहीं ना हो सकता, वो उसका पेट खराब हो जाता है, उसको हजम नहीं होते यहाँ के दूध। तो बाप को कहे कि ला के दे। क्या हुआ तुझे? मैंने हजार दफा कहा था कि इसको तमीज सिखा, पर नहीं, कभी ग्लास तोड़ता, कभी मेरे अंगूर खा लेता, कभी ठुड्डा मारता, मैं की करा सुन लेता, चिपेड़े मारूंगी ना तो फिर सही होगा। ये If you don't mind, मालिक साहब, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? वो भाईजान, वो बैंक से गाड़ी ली है ना, वो लेने आया हूँ। अच्छा, पूरी की पूरी गाड़ी ले लिए हमारे को? पर आप ही गाड़ी खरीदने आए हैं? हाँ, वो मुझे किसी को गिफ्ट करनी थी। नवी भरजाई को? हाँ, नहीं नहीं, जाएगी कोई नहीं, तो बिजनेस में ऐसे गिफ्ट चलते रहते हैं। वो नगीना भाभी से सुलह नहीं हुई? अब तो तेरी नगीना भाभी के साथ मेरी लड़ाई भी खत्म होने वाली है। क्या तुम कख समझ में आई? चल गड्डी एंजॉय कर। हाँ ठीक है, हाँ आप भी एंजॉय करें। कैसे करूंदे खुशियों को रोंदे, जा पहुंचे जाने कहां, साए निकल के बिखरे यूं चल के बैठे खुले आसमां, मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहां, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा, सब कुछ लूटा। क्यों आ गए हम पे
जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे बैठे हो सब कुछ लुटा बैठे हो सब कुछ लुटा कब जाएगी ये नवाबजादी मुझे क्या पता चली जाएगी तो यही तो पूछ रही हूँ कि कब जाएगी मुंह उठाकर आ गई है हमारी अपनी तो पूरी पड़ती नहीं ऊपर से इस बेगम साहिबा के नखरे चली जाएगी 24 घंटे एसी चलाकर रखती है कमरे में चाहे हो या ना हो एसी चलता रहता है कल बाजार चली गई 3 घंटे एसी फालतू में चलता रहा बिल तो हमने देना है ना खुद तो कुछ लेकर नहीं आई चला के बाजार चली गई हद होती है लापरवाही लापरवाही नहीं ये नखरा है खावंद ने ना सारी आते बिगाड़ के रखी है इसकी तो फिर रहती ना अपने खावंद के पास ही यहाँ क्या लेने आई है हमारा सफाया फेरने आई है और क्या अगर ये 1 महीना यहाँ पर रह गई ना तो जेवर बेचने की नौबत आ जाएगी मैं बता रही हूँ तुम्हें बच्चा है तो वो बिगड़ा हुआ है ये नहीं खाना वो नहीं खाना चिप्स ला दो ये ला दो वो ला दो कहाँ से पूरे करूँ मैं इतने खर्चे करता हूँ अम्मी से बात अम्मी से बात ना करो खुद उससे बात करो कहो बेबी ये देखो हमारे जुड़े हुए हाथ घर चली जाओ अपने वापस हम नहीं सह सकते तुम्हारे नखरे अस्सलाम वालेकुम खाला तू? वो मैं अम्मी से मिलने आई थी तो सोचा कि आपसे भी मिलूं। तो फैल लिया है? नहीं वो कौन है फातिमा? ये जी नगीना आई है। ये क्या लेने आ गई है? अस्सलाम वालेकुम खालू जी। वालेकुम अस्सलाम। चलो आइए तो बैठ जाए आ जाए इधर नहीं मैं चलती हूँ और हम घर पे अकेला कोई काम है तो बोल कोई काम नहीं है बस कहना था कि आप दोनों मेरे लिए दुआ कर दिया करें जब से ये घर उजड़ा है ना हमारी दुआओं में असर नहीं डालेंगी ना नहीं फातिमा हमारे घर से तो कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं गया ये तो फिर तो फैल साहब की बीवी है जा बतरी अल्लाह चंगा करे लगता है पछतावा हो रहा है इसे पछतावा नहीं हो रहा काफी दिनों से अपनी माँ की तरफ आई हुई है मैं भी बाजार में बैठता हूँ सब खबरें होती हैं मुझे तो फैल के साथ कोई लड़ाई शड़ाई चल रही है इसकी तो आप समझाए ना तो फैल को चलो हमारा नहीं बना तो ना से बीवी बच्चों का तो बन जाए सिर खुद हैं अपनी मर्जियों के मालिक हैं पहले कौन सा हमारा कहना मानना जो हम मानेंगे करें अपनी मर्जियां देख यार मजीद सारी गली जो है गंद से भरी हुई है अस्सलाम भाई साहब वालेकुम अस्सलाम एक मिनट इकबाल साहब एला मेरा पुत्र 500 रुपया रख किसी बंदे को ला के सारी गली साफ करवानी है तुझे चल शाबाश निकल आओ जी इकबाल साहब बैठो खैर से आना हुआ है भाई साहब बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था पर टाइम ही नहीं मिल रहा था क्यों खैरियत थी तालिब भाई बात तो आपके घर की है पूछनी तो नहीं चाहिए पर मोहल्लेदार फैमिली मेंबर होता है इसलिए सोचा कि आपसे बात कर लूं हाँ हाँ जरूर बात करें पूछे क्या बात है वो पूछना ये था कि तुफैल और उसकी बीवी में
कोई झगड़ा चल रहा है? मुझे नहीं पता इकबाल साहब, उनकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे भी गुजर रही है उन्हें पता होगा। अब सुलह सफाई से गुजर रही है कि लड़ाई झगड़े में, वो जाने उनका काम, मुझे नहीं पता। वैसे बात क्या है? बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन आजकल हर जगह उसी का चर्चा हो रहा है। बताएं तो सही ना, किस बात का चर्चा हो रहा है? आपका बेटा तुफैल किसी डांसर के चक्कर में है और सुना है उससे शादी करने वाला है। काले भाई, मेरी बात का बुरा ना मनाइए। मैंने क्यों बुरा मनाना है? जो नसीब में लिखा होता है वो तो होना ही होता है। अच्छा, फिर मुझे इजाजत दें। कैसे हो? ठीक हो? नहीं, खैर ठीक तो नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तुम मेरे और अरम के बगैर नहीं रह सकते। और अरम, उसको तुमने कितना बिगाड़ दिया। इतनी इज्जत कर रहा है कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। मैंने उसे कह दिया कि कौन से पापा, किस पापा की बात कर रहे हो तुम? वो जो पिछले एक हफ्ते से घर नहीं आए, जिन्होंने हमारा हाल तक नहीं पूछा। लेकिन खैर, अब बच्चे से मैं क्या बात करूँ, उसे क्या समझाऊँ। तुम बस ऐसा करो कि हमें लेने आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊँगा।
और सुनो नगीना, तुम भी मत आना क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं।